दो दिन पहला मोहाली जिले के नवा गांव च 23 साल की रूपाली का मर्डर हो गया सी ते अपनी बेटी के कातला नु सख्त सजा देने की परिवार हुण मांग कर रहा है। हिमाचल की रहने वाली रूपाली के परिवार का कहना है कि उन्हां दी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, उसका मर्डर किया गया ते हुण इस मामले च सीसीटीवी भी सामने आई है जिसके साफ वेख्या जा सकता है कि दो नौजवान कंध टप के एक घर के विच वड़ रहे ने ते इन्हां दे नाल एक लड़की भी है जो कंध टप के घर के विच दाखिल हो रही है। तीनों मृतक लड़की के कमरे के विच वड़े सन ते उस तो बाद घटना नूं अंजाम दे के उसकी डेड बॉडी नूं चुक के कार दे विच लैके गए, जिसके आधार से परिवार ने हुण इन्हां मुलजमां खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पर परिवार नूं हुण इस तरह लग रहा है कि उन्होंने शायद इंसाफ नहीं मिलेगा। हालांकि पुलिस मामले की जांच दे विच जुटी हुई है, पर परिवार का कहना है कि पुलिस का रवैया बहुत ही गलत है ते हुण तक पुलिस ने FIR भी दर्ज नहीं की। परिवार का इल्जाम है कि पुलिस केस नूं दबाना चाहती है ते उन्हां उत्ते बयान बदलन का भी जोर दिता जा रहा है। पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ, जैसा यहाँ की पुलिस का रवैया लग रहा है, लगभग तीसरा दिन हमारी बेटी की हत्या, हम तो हत्या ही कहेंगे, संदेह है उसकी मृत्यु संदेहास्पद हालात में हुई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि तीन दिन के पश्चात भी ये लोग हमारी FIR करने को मुकर रहे हैं, उसके बाद तीन दिन के बाद बामुश्किल हम पोस्टमार्टम का नोटिस दिखा सके इनसे, लेकिन जो यहाँ की पुलिस का ढुलमुल रवैया है उससे ये साफ प्रतीत हो रहा है, या तो ये इस मतलब जो इंसिडेंट हुआ है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी की सरकार ये चाह रही है कि हमारी जो स्टेट है, जो इनका नारा है कि क्राइम फ्री स्टेट है हमारी, क्राइम ये जब रजिस्टर ही करना नहीं चाह रहे हैं क्राइम को, तो क्राइम वो कैसे होगा। अब आप खुद बोलिए की हत्या हुई है, हत्या के पश्चात तीन दिन हो गए हैं, हमें एप्लीकेशन दे के तीन दिन के पश्चात भी FIR नहीं हो रही, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की कानून व्यवस्था है? ऐसा कानून हमने तो ना देखा है ना सुना है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा जो इनका रवैया है ये तो इस प्रकार प्रतीत होता जा रहा है, साथ में इन्फ्लुएंस करा रहे हैं हमें, अंदर बार बार बुला के कह रहे हैं कि आप अपना बयान बदलिए, बयान में ये लिखाइए कि आपकी बेटी ने जो है उसने आत्महत्या की है और हम 174 की कार्रवाई करना चाहते हैं, उसके लिए हम मुकरे हैं, अड़े हैं, तीन दिन से तीसरा दिन हमको होने को आया है, तीसरे दिन अड़े, अब जाके देखते हैं कि पोस्टमार्टम क्या आज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार हमें मतलब इनकी जो ये इस टाइम जो ये स्थिति है इससे हमें यह प्रतीत हो रहा है कि हमें यहाँ से न्याय मिलने की कतई भी उम्मीद नहीं। आज आप लोग कल रात को भी काफी यहाँ पर लगभग 11-12 बजे तक थे, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ऐसे सुनने में आ रहा था कि SHO ने ये कहा था कि भी सुबह DSP साहब यहाँ पर मौके पर आएंगे, तो क्या DSP साहब आज मौके पर आए और क्या उन्होंने कहा है? सुबह जो रात को कल रात को हमको इन्होंने कहा था SHO साहब ने कि सुबह 9 बजे DSP साहब आएंगे, वही आपकी FIR लिखेंगे, लेकिन 9 बजे के बजाय DSP साहब यहाँ पे 12 बजे पहुंचे। 12 बजे पहुंचने के बाद DSP साहब ने हमको ये कहा है कि आप अपनी जो ये स्टेटमेंट है, जो आपने ये स्टेटमेंट दी है रिकॉर्डिंग, जो हमने रिटर्न में डॉक्यूमेंट दिया था, इसको चेंज करके इसको 174 में बदल दीजिए, और ये अभी इसी बात पे कायम है और अभी 174 की कार्रवाई करवा रहे हैं, हमारी FIR कहीं भी दर्ज नहीं की जा रही है। क्या आज पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं या करवा रहे हैं लड़की का? क्या पोस्टमार्टम के लिए तो भी लेके जा रहे हैं, 174 की कार्रवाई करवा रहे हैं। इन्होंने पंजाबी में लिखा है, अभी ना हमें बताया है ना हमें समझाया है उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, FIR क्या रजिस्टर्ड हुई है? नहीं, FIR कोई भी रजिस्टर्ड नहीं हुई।